गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से आपका पायलट कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2। याद कीजिए, कल पढ़ाए थे आपके गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन नंबर 1। हेडिंग किए थे टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर किसी अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। आज का टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग थिन शीट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग थिन शीट इन फाइनाइट, यहां पर छूट गया है। टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, हिंदी में बोलते इसको, हिंदी में किसी अनंत लंबाई के पतले आवेशित चादर के कारण, किसी अनंत लंबाई के पतले आवेशित चादर के कारण क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। यहां से क्लास है टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सीट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर किसी अनंत लंबाई के पतले आवेशित चादर के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है। आपके बताए थे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन आपका हेडिंग हुआ था। हेडिंग करने के बाद एप्लीकेशन नंबर 1 कल सिद्ध कराए थे कि किसी अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो उसके लिए व्यंजक ज्ञात किए थे, याद कीजिए कि एक अनंत लंबाई का चालक तार लिए थे और उसको क्या किए थे, गॉस थ्योरम के द्वारा उसको क्लोज करके गॉसियन सरफेस निर्माण किए थे और गॉसियन सरफेस निर्माण होने के बाद व्यंजक ज्ञात हुआ था ई बराबर 1/4π/2 लैम्डा बाई आर। आज का टॉपिक है टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सीट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर किसी अनंत लंबाई के पतले आवेशित चादर के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। आज एक सीट लेंगे और बोर्ड को देखिए उसका पिक्चर। माना कि यह एक अनंत लंबाई का सीट है जिस पर उपस्थित आवेश क्या है
इसका पिस्टी चप्पल क्या है, एस है, इसका पिस्टी आवेश का मतलब क्या है, सिग्मा है, इस पर उपस्थित आवेश क्या है, क्यू है, ये रहा क्यू, और यह आवेशित कर देते हैं इसको, यह एक अनंत लंबाई का पतला शीट है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इस पर उपस्थित आवेश Q है। अब इस अनंत लंबाई के पतले शीट के कारण ये शीट जो है पतला है, ये जो है ऐसे सीखिए, ये आपका अनंत लंबाई को शो करता है। अब इस अनंत लंबाई के पतले आवेशित शीट के कारण आपको क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो क्षेत्र तीव्रता व्यंजक ज्ञात करने के लिए इस शीट को जो है पहले गॉसियन सरफेस को थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस से क्लोज हो जाएगा तब जाके आपको गॉस का प्रमेय लागू होगा, और गॉस प्रमेय के लागू करके आप इस अनंत लंबाई के पतले शीट का क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले शीट देखिएगा, शीट को वन बाई वन हम फोटो बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इसको गॉसियन सरफेस के रूप में इसको हम क्लोज करते हैं। तो क्या करते हैं, इस शीट से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु का नाम लेते हैं बिंदु पी वन, इसका नाम लेते हैं पी टू, फिर यहां से आर दूरी पर ये इसका मध्य बिंदु क्या वो है, सेम टू सेम डिस्टेंस लेंगे, बराबर डिस्टेंस होगा, इसका नाम ले लेते हैं पी वन। अब इसे सीट को क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं गॉसियन सरफेस के रूप में, गॉसियन सरफेस के रूप में एक हम बेलन का निर्माण करते हैं। देखिए तो सब टेढ़ा हो जा रहा है, स्केल नहीं है मेरे पास, ये हो गया P1, ये हो गया आपका P2। माना कि एक अनंत लंबाई का पतला आवेशित चादर है जिस पर उपस्थित आवेश Q है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, चादर के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P1 एवं P2 पर क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हमने R को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन सरफेस के रूप में बेलन का निर्माण किया, और यह सिलेंडर जो है इस सतह को जो है क्लोज करता है, बंद कर देता है, बंद करने के दौरान यह सतह गॉसियन सरफेस के रूप में फॉलो हो जाता है। तो इस बिंदु पर जो है P1 और P2 के बीच का कोण हो गया वेक्टर E, और यहां भी इंटेंसिटी ऊपर जो इसका नाम क्या है वेक्टर। अब इस सीट के सतह पर भी इंटेंसिटी उत्पन्न हो जाएगी, ये रहा सीट का सतह, यहां इंटेंसिटी हो गई वेक्टर ई, और ये हो गया आपका बायोमेट्रिक जांच करा लेते हैं वेक्टर ई। बिंदु P1 और P2 जो आपके दो तीन सतह है, स्थान इसको नाम देते हैं स्थान नंबर वन, स्थान नंबर टू, और ये हो गया आपका सतह थ्री। जैसे पिछले क्लास से पढ़े थे एप्लीकेशन नंबर वन में, यहाँ स्पष्ट दिख नहीं रहा था, लाइट दे दी कि एप्लीकेशन नंबर वन पढ़ाए थे कि तीन सतह सिलेंडर थे, ठीक उसी प्रकार सीट में भी तीन सतह है, सतह नंबर वन, सतह नंबर टू और सतह नंबर तीन,
और तीनों सतह पर उत्पन्न इंटेंसिटी क्या है, ई ई ई, जिसकी दिशा सेम है, और इसका अल्पांश एरिया हो जाएगा इसी की दिशा में वेक्टर डीएस, ये भी हो जाएगा वेक्टर डीएस, और ये हो गया डीएस। अब इस अनंत लंबाई के सीट के कारण आपको बिंदु सतह 1, 2 और 3 पर जो है आपको गॉस प्रमेय की सहायता से इंटेंसिटी का वेक्टर ज्ञात करना है। तो एक बार सुन से लिखे पढ़ देते हैं, सुनिएगा। माना कि यह एक अनंत लंबाई का सीट है, इस पर उपस्थित आवेश q है, इसका सरफेस एरिया s है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पर तीन सतह, सतह नंबर 1, 2 और 3, सतह 1 और 2 पर उत्पन्न इंटेंसिटी और स्मॉल एरिया एलिमेंट्स ds है, यहाँ भी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स ds और e है जिसकी दिशा सेम है, और यहाँ पर उत्पन्न इंटेंसिटी e और ds है, इसके बीच बना कोण कितना है 90 डिग्री। अब आप दो इस सतह के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P1 और P2 पर इंटेंसिटी का व्यंजक ज्ञात करना है, तो व्यंजक ज्ञात करने के लिए उसको मिटाना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। पहले आप पिक्चर बना लीजिए, क्योंकि पिक्चर में जो है जगह नहीं बचेगा, पिक्चर जो है हटाना पड़ेगा। एक अनंत लंबाई का पतला चादर लिया गया है, जिस पर उपस्थित आवेश q एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, अतः याद रखिएगा, अतः प्लेट सीट के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित P1 एवं P2 पर क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। बोल भी देता है, बोल देखिए, माना कि एक अनंत लंबाई का पतला चादर लिया गया है, जिस पर उपस्थित आवेश q पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, अतः सीट के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P1 और P2 पर क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब इसके लिए अब क्या करते हैं, अब यहां से पदक चिन्ह करके लिखेंगे। अब R को त्रिज्या मानकर गॉसियन सरफेस के रूप में एक चादर के दोनों ओर एक
बेलन खींचा। इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। पिक्चर आप लोग जो है मोबाइल से जो है अपलोड कर लीजिए, हटाए इसको। माना कि अनंत लंबाई का एक पतला चला लिया गया जिसपर उपस्थित आवेश क्यू है, पृष्ठीय आवेश मतलब सिग्मा है। अतः सीट के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P1 और P2 पर क्षेत्र तीव्रता का भेद ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। तो अब R को त्रिज्या मानकर गॉसियन सरफेस के रूप में एक चादर का एक चादर के रूप में चादर के दोनों ओर एक बेलन खींचते हैं और वह बेलन जो है उस सीट का जो है क्लोज भाग को शो करता है। जैसे क्लोज भाग होगा तो वह गॉसियन सरफेस बनेगा और गॉसियन सरफेस जो है तुरंत गॉस प्रमेय को फॉलो करेगा, जिसकी सहायता से फाइव बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की सहायता से आप इंटेंसिटी का भेद ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद का भेद देखिए, आप जानते हैं आवेश क्यू है और उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इस सप्ताह में सिग्मा बराबर पढ़ाया दिया था चार्ज डेंसिटी में, सिग्मा बराबर क्यू बाई एस। तो इसीलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन, चार्ज डेंसिटी में पढ़ाया था यदि सिग्मा बराबर क्यू बाई एस, इसलिए क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन, ये आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, याद नहीं तो कॉपी खोल लिखिए। जहाँ पढ़ाया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ लिखाएंगे कि चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार के होते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। और तीनों में पहले लिखा था पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस, उसको इक्वेशन नंबर वन माने थे। यहाँ भी उसका एप्लीकेशन हुआ, सिग्मा का मान निकाला सिग्मा बराबर क्यू इंटू एस। अब क्या करते हैं, बाई गॉस थ्योरम, यहां गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे क्योंकि गॉस प्रमेय की सहायता से इंटेंसिटी का भेद ज्ञात करना है। तो गॉस थ्योरम की सहायता से निकालते हैं, तो आप पढ़े या कीजिए फाइव बराबर एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, या एक और पढ़ाई याद कीजिए सिग्मा बाई क्यू बाई एप्सिलॉन। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मान समीकरण एक से यहां पर सिग्मा इंटू आप एस लिख सकते हैं और नीचे हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दो इक्वेशन तैयार हो गया, एक क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस जिसका एप्लीकेशन गॉस थ्योरम है, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीएस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान यहां से समीकरण एक से सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं, आप जानते हैं चूंकि चल पढ़ाया था याद कीजिए सेम टू सेम कॉलर अपकॉलर वाला प्रोसेस है, यहां से एक्सचेंज हो जाएगा, यहां तक अलग है लेकिन यहां से सेम टू सेम कॉलर वाला थ्योरम है। गॉसियन सरफेस के कितने भाग है, चूंकि गॉसियन सरफेस के तीन भाग वन टू एंड थर्ड, इसीलिए टोटल फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस, अतः संपूर्ण सतह पर कुल फ्लक्स का मान फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस प्लस सेकेंड सरफेस के तीन सतह थे, तो तीनों सतह पर अलग अलग फ्लक्स का मान निकल गया।
phi बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e डॉट वेक्टर ds सफा नंबर 1 पर प्लस e डॉट ds सेकंड नंबर सफा नंबर 2 पर e डॉट ds सफा नंबर 3 पर इसमें हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं हम लोग, चूंकि सतह एक एंड दो पर वेक्टर ई तथा वेक्टर डीएस के बीच का कोण थीटा बराबर कितना है सतह एक और दो पर, तो सतह एक और दो पर थीटा मान कितना है 0 डिग्री। अब यहां पर हम सतह एक और दो का उपयोग करते हैं, तथा और कह लीजिए सतह तथा सतह तीन पर वेक्टर ई तथा डीएस के बीच का कोण थीटा बराबर कितना है 90। ये रहा आपके यहां से फिर से बोल देते हैं सिग्मा बराबर क्यू बाई एस, इसलिए क्यू बराबर सिग्मा इनटू एस इक्वेशन नंबर 1। गॉस थ्योरम का उपयोग करेंगे तो गॉस बराबर फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस या q by epsilon naught q का मान सिंपल x से सिग्मा into s upon epsilon, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। गॉसियन सरफेस के तीन भाग हैं 1, 2 और 3, इसे टोटल फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस phi बराबर वेक्टर e dot ds plus phi e dot ds plus e dot ds इक्वेशन नंबर 3। सतह 1 और सतह 1 एंड 2 पर e और ds के बीच कोण कितना है 0 है, तथा सतह 3 पर e और ds के बीच क्या है 90 है। अब क्या करते हैं यहां जहां से 1 और 2 है वहां पर cos थीटा मान 0 कर देते हैं तो टोटल फंक्शन 1 हो जाएगा, और सतह नंबर e ds पर थीटा का मान 90 कर देते हैं तो यहां टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद हम टोटल इसको निकालते हैं, आप इसको कॉपी में छापिए, इसको हटा देते हैं। From equation 3rd, phi बराबर integration of vector e ds 1 plus integration of vector e ds 2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई मेथड आएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा का मान कॉस 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक दो के लिए थीटा का मान कितना है 0 है, तो यहां 0 रखिए, फिर 3 के निकाल 3 का 0 कर दीजिए। phi बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सतह 3 के लिए तो e ds बराबर e ds cos थीटा, सतह 3 पर थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, टोटल फंक्शन क्या देगा 0। अब अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 1 वेक्टर ई डीएस प्लस 2 वेक्टर ई डीएस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस 0 बराबर वेक्टर ई यह इक्वेशन देखिएगा
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से लिखे फाइव बराबर तीन के लिए हो जाएगा फ्लक्स का मान जीरो। क्यों? क्योंकि कॉस 90 का मान कितना है? जीरो। तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। अर्थात तीन पर टोटल फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि सतह पर केंद्र पर क्षेत्र तीव्रता और अल्पांश एरिया जो इलेमेंट्स होता है उसके बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होने के कारण टोटल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात तीन पर सतह होगा फ्लक्स होगा ही नहीं। तो हम चेक करते हैं सतह एक और दो पर फ्लक्स का मान। तो सतह एक और दो पर देखिए, सतह एक और दो पर कॉस का मान जीरो है, तो एक ईडीएस एक के लिए हो जाएगा, एक ईडीएस दो के लिए हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं इसीलिए फाइव बराबर इसलिए फ्रॉम इक्वेशन इससे तो सेकेंड इसे सेकेंड में क्या मान है? फाइव बराबर लिखे ना सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ फाइव बराबर सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव बराबर सिग्मा इंटू एस है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ भी फाइव 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 दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो इनका बायां पक्ष बराबर कितना? दायां पक्ष बराबर सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो ई डी एस, ई डी एस के बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई ds प्लस ई डी एस जो होगा वो बराबर किसका होगा? सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन। अब ये हो जाएगा यहाँ पर ई बाहर निकल के ई एस का डी एस इंटीग्रेशन एस प्लस इसका भी ई एस, ई कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एस, इसमें भी ई कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एस। ई एस प्लस ई एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन। ये हो जाएगा टू ई एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन। अब इसको आप लिख लीजिए, इसको हटाते हैं, अब ये पूरा नहीं हुआ है। जैसे एप्लीकेशन वन में सीध किए थे सेम टू सेम वही प्रोसेस है, बस इसका इक्वेशन चेंज हो जाता है, उसमें इक्वेशन सेम टू सेम है, इसमें इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो आप इक्वेशन चेंज होने के दौरान जो है प्रत्येक मान भिन्न भिन्न, उसमें क्या होता है एक और दो पर कॉस जीरो का मान वन था, नब्बे था, इसमें इक्वेशन एक और दो पर कॉस का मान जीरो है, तो वहां पर एक ईएस था, यहाँ पर दो ईएस टू ईएस हो जाता है। तो टू ईएस जो है वो सिग्मा इंटू एस सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो अब इसमें क्या करते हैं, यहां से एस इक्वल टू एस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? इसीलिए E इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू, यहां गुना में है इधर आए तो भागा हो जाएगा टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका व्यंजक हो गया E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अर्थात E बराबर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट को ही किसी अनंत लंबाई के पतले आवेशित चादर के कारण क्षेत्र तीव्रता के व्यंजक के नाम से जाना जाता है, जो गॉस के प्रमेय की सहायता से ज्ञात किया था। आप देख रहे हो कॉपी में शुरू से कि गॉस का एप्लीकेशन लेकर चला थे फाइव बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका एप्लीकेशन जब डेरिवेशन किया है तो आ गया है ई बराबर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अर्थात हम कह सकते हैं कि गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के पतले आवेशित चादर के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया जा सकता है। कब? जब वह पृष्ठ गॉसियन सरफेस के द्वारा क्लोज हो और उसका व्यंजक होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई सिग्मा बराबर ई बराबर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक और व्यंजक आता है, कभी कभी क्या करता है कि प्लेट को मोटा कर देता है, तो प्लेट मोटा होने के दौरान उसका व्यंजक क्या हो जाएगा? तो यहां तक इसको लिखिए, उसके बाद दिखाते हैं। यदि सीट मोटा हो तो सीट मोटा हो तो दो पृष्ठीय क्षेत्रफल
देखो तो सीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2s होगा। सीट पतला था तो सीट पतले के लिए पृष्ठीय क्या था केवल s था, याद रखिए केवल s है। अब सीट मोटा हो गया तो पतले सीट के लिए इंटरसिटी की बजाय e बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये सीट मोटा हो जाएगा तो मोटे सीट यदि सीट मोटा हो तो सीट के दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे तो दो पृष्ठीय क्या होगा 2s होगा। अब यहां पर हम जो निकाले आप लोग 2s वहां पर सिग्मा का मान रख देंगे तो सिग्मा का मान रखने के दौरान जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा तो इसके लिए व्यंजक हो जाएगा यहां चेंज रखिए वेक्टर e बराबर 2s es बराबर सिग्मा इनटू यहां s है तो एक सीट के लिए होगा सीट मोटा तो e सिग्मा इनटू 2s अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 से 2 कैंसिल s से s कैंसिल इसीलिए e बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पतले सीट के लिए, इसके लिए हो गया सीट जब मोटा सीट हो तो e बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और जब सीट मोटा हो तो e बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपका इंटेंसिटी का व्यंजक। अर्थात इसमें कोई डाउट हो तो एक बार बैठ कर इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए, बार बार देखिए, कोई डाउट तो कमेंट करके पूछिए कि हाँ डाउट है। दो थ्योरम हो गया आपका, एक एप्लीकेशन गॉस का, पहला एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर और दूसरा एप्लीकेशन हो गया टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग थिन सीट चार्ज कंडक्टर। कल के लिए व्यंजक था e बराबर 1/2 4π ε2λr, आज के लिए व्यंजक है पतला सीट हो तो e बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सीट मोटा हो तो e बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहे आपके गॉस के दो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1 एप्लीकेशन नंबर 2। अब आपको कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट्स करके, या नहीं डाउट हो तो कल पढ़ाएंगे आप क्लास में। एप्लीकेशन नंबर 3 कितना टाइम हो गया कल आते हैं तो एप्लीकेशन नंबर 3 पढ़ाएंगे। दो हो गया, दो आ गया तो तीसरा भी सुनना है क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न उसी सिमिलरली है। तो कल आते हैं तो मिलते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 में। आज इतना ही टाइम हो गया, ऑल द बेस्ट।